गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा चलिए एज यूजुअल जैसे हमारा पर डे का क्लास चलता है उस तरह आज हम लोग फिर अपने लेशन के टॉपिक को आगे की ओर प्रोसीड करने वाले हैं। तो उसके आगे की जो बातें हैं वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो अभी के लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो फीमेल गैमेट बना है, डैट मीन्स कि जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ है वह किस तरह से, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस तक की बातों को कंप्लीट किया था हम लोगों ने। और मेगा स्पोरोजेनेसिस की बातें जब कंप्लीट हुई तो उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वह है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था कि पॉलिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको ये भी बता दिया कि हाँ, एक बार आप लोग पार्थेनोजेनेसिस को थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, कर चुके होंगे तो उससे कुछ क्वेश्चन रहेंगे और बाकी जो है वो डिस्कस तो हम लोग करेंगे ही। अब चलिए आगे हम लोग ये देखते हैं, पार्ट करते हैं अब हम लोग पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, यानी कि जो आप जानते हो कि प्लांट का, यानी पहले हम लोग हेडिंग दे रहे हैं फिर से पॉलिनेशन को, आपने एग्जाम के ये जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आपसे बाय मिस्टेक कुछ गलती हुए हैं, कुछ कुछ बच्चों का भी कॉल आया, ठीक है, तो वो मैं समझ सकता हूँ। बट वो क्वेश्चन जो हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो जहाँ से लिया गया है उनके कुछ मॉड्यूल से हैं, तो डोंट बी पैनिक। ऐसे भी ये लेसन से मैक्सिमम वन क्वेश्चन रहेंगे तो उतना बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आगे ये जो लेसन करेंट चल रहा है ये इम्पॉर्टेंट लेसन है तो हमेशा इसके ऊपर फोकस करेंगे हम लोग। सॉरी, अब चलिए। तो पॉलिनेशन का मतलब मैंने कल भी बताया था कि प्लांट के जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं, यानी मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों गैमेटोफाइट जो होते हैं, यानी दोनों जो गैमेट होते हैं बेटा, वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी उसमें मूवमेंट खुद से वो नहीं कर सकते हैं। और फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज होना पड़ता है, तो किसी ना किसी एजेंट के थ्रू जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है डैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इसीलिए इसका हम लोग एकदम सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फिर पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय सम एजेंट। तो हमने आपको ये अभी लास्ट क्लास में भी बताया था, तो हमेशा ये क्या है बेटा, एंथर, और एंथर का क्या, तो पॉलिन ग्रेन जो ट्रांसफर होगा किधर की ओर, ट्रांसफर होगा एस्टिग्मा पे, और किसकी मदद से, तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। और जो एजेंट होंगे जो पॉलिनेशन करवाते हैं यानी इसमें मदद करते हैं तो वह क्या हो सकता है, एयर हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है और या फिर एनिमल्स हो सकता है। ये तीन एजेंट मेन रूप से इसमें काम करते हैं। अब चल के देखेंगे ये बातों को हम लोग। तो इसीलिए पॉलिनेशन कौन कौन टाइप्स के हैं, तो जब पॉलिनेशन की बात करते हैं हम लोग तो पॉलिनेशन देखो दो तरह के हैं, मेन रूप से पॉलिनेशन टू टाइप के हैं। एक कौन सा है पॉलिनेशन, तो एक है ऑटोगैमी और जो सेकंड है वह है क्रॉस पॉलिनेशन, या इसको कहते हैं जेनोगैमी। ऑटोगैमी, ओ सॉरी, पहले सेल्फ पॉलिनेशन और तब क्रॉस पॉलिनेशन।
सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन में ही ऑटोगैमी आता है, और सेकेंड वन इज द गिटनोगैमी। अब क्रॉस पॉलिनेशन जो होते हैं वह, तो इसमें कुछ एजेंट मेन रूप से आते हैं, तो इनके बेसिस पर यहाँ पर देखिए क्रॉस पॉलिनेशन दो तरीके से, एक होगा एबायोटिक और दूसरा होगा बायोटिक। कौन कौन सा? एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में यानी कि एयर हो जाएंगे, वाटर हो जाएगा यानी एनिमोफिली हाइड्रोफिली, ये सब बातें जो है वो हम लोग देखेंगे। और बाकी जो दूसरा होता है बायोटिक, बायोटिक में यानी कि कुछ जो होते हैं इंसेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, स्नेल बैट ये सब जो है, मॉथ्स ये सब जो है पॉलिनेशन करवाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग बायोटिक। तो ये दो तरीके से है, क्रॉस पॉलिनेशन में कोई ना कोई एजेंट आएगा जो इसको मदद करेगा पॉलिनेशन करने के लिए। और यहाँ पर जो मदद करने वाला जो एजेंट होगा, अगर बायोलॉजिकल पार्ट होगा यानी बायोलॉजिकल कहने का मतलब लिविंग सिस्टम होगा, तो वो आ जाएगा बायोटिक में, और अगर नॉन लिविंग डैट मीन्स कि एयर वाटर होगा तो वो आ जाएगा एबायोटिक एजेंट के रूप में। तो यही जो है वो बातें जो हैं वो दो अलग तरीके से हम लोगों को इसमें देखने को है। ओके, फिर उसके बाद में चलते हैं, देखिए आइए, तो एक हो गया एबायोटिक और दूसरा सेकेंड वन इज द बायोटिक। एबायोटिक में दो, एक हो जाएगा एनिमोफिली और दूसरा हाइड्रोफिली, ठीक है। उसके बाद में है बायोटिक, तो बायोटिक वाले में हो जाते हैं जो बायोटिक फैक्टर हैं, उसमें हैं एंटोमोफिली, काइरोपटेरोफिली, ऑर्निथोफिली, मलैकोफिली यानी बैट से, स्नेल से, एफ और चमगादड़ भी इसमें हेल्प करता है, ये सब अलग अलग के वजह से। तो पहले ये पॉलिनेशन इस तरह से, अब हम लोग देखेंगे वन बाई वन करके यानी इसमें ये किस तरह से काम हो रहा है। तो सबसे पहले आएंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में यानी ऑटोगैमी, ये तो अगर पार्ट हो गया है तो चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है खुद के प्लांट में, यानी एक ही प्लांट के सेम फ्लावर पे या एक ही प्लांट के टू डिफरेंट फ्लावर के बीच में, या फिर जेनेटिकली दो सिमिलर प्लांट हैं और बस फ्लावर चेंज हुआ है, तो उनके बीच में। तो पॉलिनेशन बिटवीन पॉलिनेशन बिटवीन जेनेटिकली
टू सिमिलर प्लांट। तो जेनेटिकली टू सिमिलर प्लांट के बीच में अब इसमें आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटोगैमी। ओके, ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और गैमस का मतलब होता है मैरिज। तो यहां पर ये जो टर्म है ऑटो, ऑटो का मतलब सेल्फ एंड गैमोस का मतलब होता है बेटा मैरिज, यानी खुद में मैरिज होना आपस में। अब आइए इसमें, तो ऑटोगैमी का मतलब हुआ कि जब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के बीच में, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट ऑफ द सेम फ्लावर, तब उसको, या फिर सेम प्लांट ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। तो ये दो तरह से हो सकता है, यानी दोनों का मैं पहले डायग्राम यहां पर दे देता हूं फिर आपको लिखाता हूं। देखिए ये एक प्लांट है और इस प्लांट का, ओके, और यह फ्लावर है। ठीक, और ठीक है, ये एक प्लांट हो गया और दूसरा ये प्लांट है। ठीक है, अब दोनों सेम प्लांट हैं, मान लीजिए दोनों एक ही जैसे प्लांट हैं, इसमें दोनों में कोई ये नहीं है। एग्जांपल ले लो मिराबिलिस के ही दो प्लांट हैं। अगर इस प्लांट का एंथर इस प्लांट के स्टिग्मा पे आ जाए, या फिर इस प्लांट का एंथर इस प्लांट के स्टिग्मा पे आ जाए, क्योंकि दोनों प्लांट सेम है, जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है, तो दिस इज दी ऑटोगैमी। अब ये क्या हो गया, ऑटोगैमी हो गया, इसी को क्या कहेंगे, तो ये ऑटोगैमी हो गया। अब यहां पर एग्जांपल ये इस चीज को समझना है, तो चलिए अब यहां पर ऑटोगैमी हम लोग जो लेके चल रहे हैं, तो हमारा यही चीज डेफिनेशन कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to a stigma of flower from a stigma from anther to दो बार हो गया है, from anther to a stigma of flower on same स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर और स्टिग्मा ऑफ और स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट पे। तो सेम प्लांट के सेम
फ्लावर पे या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट के सिमिलर फ्लावर पे, तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरा चीज इसमें भी ये भी देखने को हमें मिलता है कि इसी प्लांट का, एक तो ये प्लांट के सेम फ्लावर पे या फिर सेम प्लांट से निकल के इस प्लांट के फ्लावर से और इसी प्लांट के फ्लावर पे ट्रांसफर हो। तीन तरीका आप देख लिए, इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के इसी फ्लावर के एस्टिग्मा पे चला जाए, या प्लांट सेम होगा और इसके फ्लावर से निकल के उसी प्लांट के सेम दूसरे फ्लावर पे चला जाए, या जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है और यहाँ से निकल के दूसरे प्लांट पे चला जाए, लेकिन प्लांट दोनों सिमिलर होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जो इस तरह का पॉलिनेशन जो है इंक्लूड होता है ऑटोगैमी में। अब ऑटोगैमी जो है वो तीन तरह का है, एक है होमोगैमी, ठीक है, बर्ड पॉलिनेशन, और तीसरा है क्लिस्टोगैमी। तो ये तीन तरह के हमें देखने को मिलता है। तो लिखेंगे हम लोग ऑटोगैमी इज थ्री टाइप्स, और फर्स्ट में होगा होमोगैमी। होमो का मतलब सिमिलर, सेम, तो एक ही प्लांट के सेम फ्लावर पे जब ये काम आए, डेट इज द होमोगैमी, सेम प्लांट सेम फ्लावर। तो इसमें सिंपल लिखेंगे पॉलिनेशन बिटवीन सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, पॉलिनेशन बिटवीन सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर ऑफ द पॉलिनेशन बिटवीन द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। और जो फ्लावर होंगे वो कैस्मोगैमस, देखो दो तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर, दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब होता है जो फ्लावर ओपन नहीं होता है, तो ड्यूरिंग द आउट ऑफ सीजन, जब सीजन नहीं होता है तो उस समय जो फ्लावर होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोग अभी आगे देखेंगे क्लिस्टोगैमस का। और एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर, तो कैस्मोगैमस फ्लावर का मतलब कि जो फ्लावर ओपन होगा, यानी कि नॉर्मली जो फ्लावर हम लोग देखते हैं तो ड्यूरिंग द सीजन, जो फ्लावर का सीजन का टाइम है उस सीजन के टाइम में फ्लावर जो होते हैं वो ओपन होते हैं, और ओपन होंगे तो वो क्लिस्टोगैमस ये कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं। कोई भी फ्लावर अगर ओपन हो गया, यानी ओपन कहने का मतलब उसका कलरफुल पेटल्स दिखाई दे रहा है, एस्टिग्मा, ये सब सारे पार्ट जो ओपन हो चुका है दिखाई दे रहे हैं, तो वैसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं कौन सा, तो कैस्मोगैमस फ्लावर। द फ्लावर आर कैस्मोगैमस दैट इज ओपन फ्लावर, दैट इज ओपन फ्लावर, तो फ्लावर ओपन होगा और उसमें जो पॉलिनेशन होगा तो डैट इज द होमोगैमी, इसी में एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल जो है वह है मिराबिलिस, वही एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके आपको दिखा दिया। तो मिराबिलिस में इस तरह के हमें चीज़ों को देखने को मिल जाता है, और पूरा यहाँ पर मिराबिलिस इसीलिए ले लिया आपको कि ऐसा नहीं है कि ये मिराबिलिस के अलावा किसी और में नहीं, मिराबिलिस अभी आगे भी एग्जाम्पल के रूप में आएगा, आगे एग्जाम्पल के रूप में आएगा, मतलब कहने का कि ये मिराबिलिस जो है हम लोग लेकर के चलते हैं। तो कैस्मोगैमस का मतलब ओपन फ्लावर, ठीक है, कैस्मोगैमस का मतलब ओपन फ्लावर की बात हो रही है, कभी भी कैस्मोगैमस क्लिस्टोगैमस से क्वेश्चन जो है वो हर साल जनरली डाल देता है, एक क्वेश्चन दागा हुआ रहता है नीट में, तो ये उसका फेवरेट पॉइंट है इस पार्ट से, तो हमेशा एक कोई क्वेश्चन डाल देगा और दे देगा आपको। अब आइए क्लिस्टोगैमस,
क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज, गैमोस का मतलब हम आपको बता ही है मैरिज। क्लिस्टो का मतलब क्लोज एंड गैमोस का मतलब मैरिज। तो क्लिस्टोगैमस सेकेंड में क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी में तो फ्लावर आर क्लिस्टोगैमी का मतलब यही, तो फ्लावर जो होंगे इसमें इंटरसेक्सुअल होंगे और फ्लावर रिमेंस क्लोज, पहले बात तो ये। क्लिस्टोगैमस क्लिस्टोगैमी का ऐसे हुआ क्लोज्ड मैरिज। क्लिस्टो मतलब क्लोज, गैमस मतलब मैरिज, तो एक साथ लिख दिया है क्लोज मैरिज। और इसमें तो फ्लावर्स आर इंटरसेक्सुअल एंड फ्लावर रिमेन्स क्लोज, फ्लावर रिमेन्स क्लोज, फ्लावर जो होंगे वह क्लोज होंगे, फ्लावर रिमेन्स क्लोज, फ्लावर रिमेन्स क्लोज फ्लावर आर इंटरसेक्सुअल एंड फ्लावर रिमेन्स क्लोज जनरली ड्यूरिंग आउट सीजन, सम प्लांट फ्लावर्स आर नॉट ओपन, दैट इज क्लोज्ड, कॉल्ड क्लिस्टो गैमस फ्लावर। सो दे कैरी सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसलिए ये फ्लावर जो होंगे सो दे कैरी सेल्फ पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल जो है कॉमेलिना, कॉमेलिना बेंगलिंस, कॉमेलिना ऑक्सैलिस, बालसम, वियोला, वियोला पैंसी पूरा नाम है। तो कॉमेलिना बेंगलिस, ऑक्सैलिस, ओ एक्स ए एल आई एस, ऑक्सैलिस, बालसम एंड वियोला पैंसी, ये सब जो पूरे प्लांट है इसके फ्लावर जो हैं, ये प्लांट दो तरह के फ्लावर देते हैं भाई। अगर इनके फ्लावर नॉर्मल सीजन में ओपन हो जाएंगे तो वो हो जाएगा कौन सा, कैस्मोगैमस फ्लावर यहां पर, और अगर ओपन नहीं होंगे तो वो कौन सा फ्लावर हो जाएगा, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ड्यूरिंग द आउट सीजन ये जो फ्लावर देते हैं वह है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और जिसका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में भी यही एग्जाम्पल है, इसीलिए वो सारे एग्जाम्पल को लिखा है। तो कॉमेलिना, ऑक्सैलिस, वियोला पैंसी, ये सब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो ये यानी ये जो प्लांट के फ्लावर हैं दो तरह के होते हैं, अगर वो ओपन नहीं होते हैं तो उसमें क्लिस्टोगैमी होता है, और अगर ओपन होते हैं तो होमोगैमी हो जाता है। इस तरह से ये दो तरह के हमें, थर्ड में देखेंगे बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन हमें वीट पैडी में देखने को मिलता है, मेज में भी देखने को मिलता है। तो बर्ड पॉलिनेशन यानी बर्ड में जो यानी कि जो स्टिग्मा और एंथर है उनके बीच में जो ट्रांसफर हो जाते हैं पॉलन ग्रेन, दैट इज द बर्ड पॉलिनेशन। तो ये भी इंटरसेक्सुअल फ्लावर हैं, ये इंटरसेक्सुअल होते हैं यानी बर्ड। तो स्टिग्मा एंड एंथर, स्टिग्मा एंड एंथर इंटरसेक्सुअल
intersexual that performed, तो स्टिग्मा और एंथर जो होंगे इसके प्लांट में वो कैसे होंगे, इंटरसेक्सुअल होंगे, और इसीलिए एंथर इज राइपेन बिफोर बर्ड इज ओपन परफॉर्म, बता दीजिए डेट एंथर इज राइपेन बिफोर बर्ड इज ओपन टू परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। और किस लिए, टू परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए इस तरह से ये काम कर लेते हैं। ओके, अब आइए चलिए बेटा, अब आएंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन में। तो हम लोग ऑटोगैमी में होमोगैमी, बर्ड पॉलिनेशन एंड बर्ड पॉलिनेशन का एग्जांपल जो था अभी वो बाकी है। तो बर्ड पॉलिनेशन का एग्जांपल जो है वो आपको मैंने बताया था कि वीट राइस, पी वीट और राइस कर देंगे। देन आफ्टर आइए क्रॉस, अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना है हमें। तो एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी, तो अगर हम लोग ऑटोगैमी का या सेल्फ पॉलिनेशन का हम लोग एडवांटेज की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या एडवांटेज हमें मिलते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं ये भी हमें देखना है। तो मेन जो एडवांटेज हैं, तो यहाँ पर देखो, ये जो ऑटोगैमी जब प्लांट में होते हैं तो एक तो हमें प्लांट जो मिलता है वो प्योर लाइन मिलता है। प्योर लाइन कहने का मतलब किसी तरह का उसमें मिक्सअप नहीं हुआ, सेम जेनेटिक लेवल पे जो सेम प्लांट है उन्हीं के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, तो कुछ नए चेंजेज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो एकदम जो मिलेगा प्लांट मिलेगा, यानी उससे जो सीड मिलेगा उससे जो प्लांट मिलेगा प्योर लाइन मिलेगा, उसमें कोई बिना चेंजेज वाले, ठीक है, जैसा पेरेंट था लगभग लगभग वैसा मिलेगा। कोई जेनेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ नया करेक्टर हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो इस तरह के जो प्योर लाइन होंगे वो। दूसरा, ऐसे प्लांट को, ये प्लांट आपस में ही फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी इसको एबायोटिक या कोई बायोटिक फैक्टर को खास करके एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने अंदर बहुत ज़्यादा कुछ कलरफुल या कोई सुगंध यानी ऑर्डर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको किसी इंसेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, तीसरा चीज़ कि इसको बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी पॉलन ग्रेन है क्योंकि बगल में ही काम होना है, थोड़ा सा भी रहेगा तो बगल में ही ट्रांसफर हो गया, सेम फ्लावर पे हो गया या सेम प्लांट के दो फ्लावर पे हो गया, तो ये तुरंत भर में आप आपस में ही कर लेगा। तो इस तरह से ये जो होते हैं वो तुरंत भर में, यानी इसमें ये सब एडवांटेजेज हैं। तो सबसे पहले कि ये जो ये जो है वो मेंटेन करता है, मेंटेन पेरेंटल कैरेक्टर, जो पेरेंटल कैरेक्टर है उसको मेंटेन करेगा। दूसरा, मेंटेन प्योर लाइन
मेंटेन प्योर लाइन, प्योर लाइन कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर फॉर फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जब हमें प्लांट को हाइब्रिडाइज कराना होगा तो इसको प्योर लाइन के रूप में लेकर के और किसी दूसरे प्लांट से हाइब्रिडाइज करा देंगे। तीसरा, नो मोर पॉलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। फोर्थ, प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस एनी अट्रैक्टिंग इंसेक्ट अट्रैक्टिंग इंसेक्ट अट्रैक्टिंग सब्सटेंस दैट इज कलरफुल मटेरियल और ऑर्डर। यानी ये जो प्लांट होगा वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होगा। दैट इज, यानी इट इज कलरलेस एंड और कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होगा, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होगा। अब नेक्स्ट आइए, पी वीट राइस ये सब हो गए। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? डिसएडवांटेजेज अब इसमें नए कैरेक्टर तो डेवलप नहीं होने, यानी पैरेंटल कैरेक्टर को ही कैरी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी इम्यूनिटी कम होगी। न्यू कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा तो कुछ नए वैरायटी हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें दो बातें हो गई, दोनों इंपॉर्टेंट चीज हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर हो नहीं रहा है, कोई नए कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं, तो न्यू वैरायटी की चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ भी, तो एक तो इसकी इम्यूनिटी कम होगी, पैरेंटल कैरेक्टर जो होता है कंटिन्यू वही कैरी होते रहेगा, तो धीरे धीरे जो क्वालिटी है वो पैरेंटल क्वालिटी डिक्रीज होती है। तो ये सारे जो हैं इसके डिसएडवांटेजेज पॉइंट हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर ये एडवांटेज वाले पॉइंट हैं, तो उसी तरह आप इसके डिसएडवांटेजेज वाले पॉइंट को भी समझ सकते हो कि हाँ, ये जो एडवांटेजेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेज भी होंगे, और वही डिसएडवांटेजेज जैसे क्या भाई, तो डिसएडवांटेजेज के रूप में आप समझ सकते हो कि जो न्यू यूजफुल कैरेक्टर जो है वह सेल्डम इंट्रोड्यूस। न्यू यूजफुल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस, काफी दिन के बाद जो यूजफुल कैरेक्टर होंगे वो हम इंट्रोड्यूस हो पाएंगे इसमें, क्योंकि ये स्लो है, ठीक है। और जो वाइट जो इसमें डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रोलॉन्ग पॉलिनेशन है, तो इसमें धीरे धीरे पैरेंटल कैरेक्टर्स में भी डिक्रीज। अब क्यों डिक्रीज होगा? समय तो चेंज हो रहा है ना, एनवायरमेंट चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में जेनेटिक लेवल पे कोई चेंजेज नहीं कर रहा है, इस वजह से इसमें जो पैरेंटल कैरेक्टर हो सकते हैं वो डिक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट मैंने दिया है। तो सेल्डमली जो है मतलब धीरे धीरे वो भी जो है वो चेंजेज आएंगे और वो डिक्रीज होगा। इम्यूनिटी जो होगा वो डिक्रीज होगा, इम्यूनिटी डिक्रीज
तो यहाँ पर एक बात देख लिए, और वेरिएबिलिटी जो होंगे वह तो वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी रिड्यूस वेयर एज एनवायरमेंटल चेंजेज आर इंक्रीज। इन्वायरमेंटल चेंजेज बढ़ेंगे लेकिन इस प्लांट की जो वेरिएबिलिटी है वह डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि वो सारा खेल जो है वो पेरेंट का है। पेरेंट में जब तक कोई चेंजेज नहीं ला रहे हैं हम लोग, तब तक उसमें जेनेटिक लेवल पर चेंजेज नहीं आएगा, और जेनेटिक लेवल पर चेंजेज नहीं होंगे तो उसमें न्यू कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे। अदर अलग बात है कि प्लांट जो है यानी एनवायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेज आ रहे हैं, लेकिन प्लांट का जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो तो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से ये चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये बातें हो गई, इसके बाद देखोगे हम लोग एक डिवाइस टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। कौन कौन से डिवाइस हैं या कॉन्ट्रीवेंसेज हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाते हैं या मदद करते हैं? डिवाइस कॉन्ट्रीवेंस टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, डिवाइस टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। तो वो कौन कौन से डिवाइस की बात कर रहे हैं हम लोग जो इंश्योर करता है कि हाँ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा? तो सबसे पहले तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी मेल फ्लावर अलग होगा फीमेल फ्लावर अलग होगा, और बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब कि मेल और फीमेल दोनों जो हैं वो एक ही फ्लावर पे होंगे। तो सबसे पहली बात हो गई कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट ऑन सेम फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड बोथ सेक्सेस एंड बोथ सेक्सेस आर मैच्योर एट सेम टाइम। तो दो सेक्स हैं फ्लावर पे और दोनों सेक्स जो होंगे वो मैच्योर होंगे सेम टाइम पे, इसी को कहते हैं, यानी कि ये एक हेल्प करेगा। अब कभी कभी क्या होता है, एंथर पहले मैच्योर हो गया, स्टिग्मा अभी तैयार ही नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। और जब स्टिग्मा तैयार पहले हो गया, अभी एंथर पॉलिन ग्रेन ही नहीं बना एंथर के अंदर, दोनों सेक्स को एक साथ मैच्योर होना होगा ताकि जब पॉलन ग्रेन रेडी हो तो स्टिग्मा भी रेडी रहे, तब जाके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा। तो ये एक डिवाइस जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो वही है डिवाइसेज हम लोग देख रहे हैं, तो दोनों सेक्सेज को एक साथ मैच्योर होना होगा, ठीक है। दूसरा बात कह रहा है कि फ्लावर जो होंगे वह बाइसेक्सुअल एंड क्लिस्टोगैमस होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस का मतलब क्लिस्टोगैमी में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है क्या? नहीं। तो क्लिस्टोगैमस में हमेशा क्लिस्टोगैमस सेल्फ पॉलिनेशन करता है, तो यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस होने के वजह से यानी फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, तो क्लिस्टोगैमस पॉलिनेशन। और थर्ड डिवाइस देखिए,
तो थर्ड डिवाइस यानी कि थर्ड डिवाइस में हम लोग आते हैं यानी कि जो बर्ड पॉलिनेशन है। तो बर्ड पॉलिनेशन का मतलब कि जब एंथर होगा और एंथर के साथ साथ बर्ड पॉलिनेशन, तो बर्ड पॉलिनेशन में यानी कि जो पॉलन है या एंथर कहेंगे, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर ऑन सेम टाइम बिफोर ओपनिंग ऑफ बर्ड, या एंथर मैच्योर ठीक है बिफोर ओपनिंग ऑफ बर्ड। तो ये सब जो बातें हैं ये डिवाइसेज हैं। अब इसके बाद में चलिए नेक्स्ट आइए, अब है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन बेटा, तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हम समझ रहे हैं दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में, या जेनेटिकली दो अलग अलग प्लांट हैं ठीक है, तो दो अलग अलग प्लांट या तो सेम स्पीसीज के हैं ठीक है, और जेनेटिकली दो अलग अलग प्लांट हैं, तो उनके बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। वैसे पॉलिनेशन को क्या कहेंगे हम लोग, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। जनरली क्रॉस पॉलिनेशन जो है हमें डायोसियस प्लांट में हमें देखने को मिलता है ठीक है, तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। और क्लिस्टोगैमी की जो बातें हैं, प्लीज वेट फॉर वन मिनट, कुछ लेक्चर मुझे शेयर करनी है। ओके बेटा चलिए, तो फिर हम लोग अब आते हैं, फोकस करते हैं अपने इस टॉपिक पे, यानी कि जो क्लिस्टोगैमस की बात है, सॉरी यानी कि जो क्रॉस पॉलिनेशन की बात है उस पे हम लोग चलेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जो ट्रांसफर है तो क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा ऑफ
जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर, जो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर हैं उनके ऊपर जो ये ट्रांसफर होता है डैट इज दी क्रॉस पॉलिनेशन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसी को हम लोग जेनोगैमी कहते हैं, ये आपको पहले ही बता लिखवा चुके थे हम लोग। और जेनो का मतलब होता है स्ट्रेंज और गैमस का मतलब होता है मैरिज, तो ऑल्सो कॉल्ड जेनोगैमी। जेनो का मतलब STRANGE, स्ट्रेंज, एंड गैमोस का मतलब मैरिज, ठीक है। अब ये जो होते हैं अलग अलग एजेंट के थ्रू, तो क्रॉस पॉलिनेशन नेशन परफॉर्म्ड बाय पॉलिनेटिंग एजेंट, और ये किसके थ्रू हो रहा है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू हो रहा है। अब जैसे सबसे पहले देखो हाइड्रोफिली, तो पॉलिनेशन अकर्स थ्रू, यानी एजेंट जो होगा वो वाटर होगा, और हाइड्रोफिली दो तरह से होते हैं। तो हाइड्रोफिली आप समझ लेंगे कि एक्वेटिक प्लांट में होता है, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेज हैं, कन्फ्यूजन आते हैं। हाइड्रोफिली समझो बात को कि एक्वेटिक प्लांट में तो होता है, तो कुछ प्लांट के जो पार्ट होते हैं सेक्सुअल पार्ट होते हैं फ्लावर के सरफेस के नीचे होते हैं, तो वहाँ पे आसानी से वाटर के थ्रू हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट के फ्लावर जो होंगे वो वाटर सरफेस या रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा वो वाटर के सरफेस से ऊपर होगा, तो वैसे प्लांट में क्या होगा, वाटर के थ्रू होगा नहीं। तो ये बातें जो हैं थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। देखो ये इन सब प्लांट का एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हिट करता है क्वेश्चन एमसीक्यू में एग्जाम्पल से, कि हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल डाल देगा कन्फ्यूज करने के लिए, एनिमोफिली का एग्जाम्पल डाल देगा कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है, एंटेमोफिली का डाल देगा एग्जाम्पल कन्फ्यूज करने। तो ये सब के पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्जाम्पल, ठीक है। तो हाइड्रोफिली का मतलब कि पॉलिनेशन अकर्स थ्रू द एजेंट ऑफ वाटर, या पॉलिनेशन पॉलिनेशन थ्रू वाटर, तो पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो पॉलिनेटिंग एजेंट इज दी वाटर, तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वह वाटर हो जाएंगे जिसके मदद से यह पॉलिनेशन हो रहा है। और ये जो होते हैं तो फिलस का मतलब हाइड्रोफिली, फिलस का मतलब होता है लविंग, और हाइड्रो मतलब वाटर, ये भी चलो करा देता हूँ। फिलस मतलब लव और हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर लविंग जो होते हैं उसके थ्रू ये उसमें ये प्लांट में ये सब चीज़ हमें देखने को मिलता है। अब इसके एग्जाम्पल जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये जो होते हैं वो टू टाइप्स के होता है, एक है वो हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज टू टाइप्स, एक है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है ईपी हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली एंड ईपी हाइड्रोफिली, ठीक है। अब हाइपोहाइड्रोफिली और ईपी हाइड्रोफिली में क्या डिफरेंस है वो चीज़ को समझना है, ओके। तो जैसे हाइपोहाइड्रोफिली अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि जब पॉलिनेशन तो अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, इसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा, JOSTERA, जोस्टेरा प्लांट। एंड ईपी हाइड्रोफिली,
तो अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पॉलिनेशन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ, अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वाटर के सरफेस पे होना और वाटर के सरफेस से नीचे में होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर तो ईपी हाइड्रोफिली टेक्स प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, और ये एग्जांपल इसका जो आता है वो है वैलिसनेरिया। ये बहुत क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, वैलिसनेरिया। और सारे एक्वेटिक प्लांट में जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोफिली ही हो, यानी उसमें जो पॉलिनेशन हो ओनली थ्रू द वाटर ही हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता है। ओके, जोस्टेरा जो देखो एक मैरीन एंजियोस्पर्मिक सी ग्रास होता है, जो जोस्टेरा है, जोस्टेरा एस्पर्मिक मेनली सी ग्रास है, जोस्टेरा मेनली जोस्टेरा एंजियोस्पर्मिक सी ग्रास है, जो पॉलिनेशन जो है इसका वाटर के थ्रू हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ के बाद में अब हम लोगों को देखना है एनिमोफिली और बाकी जो पार्ट है, यानी कि इंसेक्ट वाला पार्ट है। अब एनिमोफिली में आते हैं हम लोग, एनिमोफिली, तो एनिमोफिली का मतलब क्या हो गया, तो एनिमोफिली का मतलब हो गया कि पॉलिनेशन यानी विंड के थ्रू, एनिमो मतलब विंड, एनिमो मींस विंड, और फिलस का मतलब आप जानते हो लविंग, तो विंड लविंग, तो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन थ्रू विंड, तो विंड के मदद से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विंड पॉलिनेशन। जिसका एक कॉमन एग्जांपल है तो वो है कोकोनट पाल्म, डेट पाल्म, मेज, कोकोनट पाल्म, डेट पाल्म, मेज, कोकोनट पाल्म, डेट पाल्म और मेज, साथ ही साथ मेनी ग्रासेस। अब इसके बाद में जो बायोटिक फैक्टर हैं, यानी कि जो बायोटिक से रिलेटेड जो पॉलिनेशन हो रहे हैं एनिमल्स के थ्रू, उसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी यहाँ तक की बातों को करते हैं, और उसके बाद में पॉलिनेशन के बाद में हम लोगों को मेन नेक्स्ट देखना है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उस पर फोकस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सबसे रिलेटेड यानी पॉलिनेशन कम्प्लीट कर लेंगे। ओके, तो इसका तब तक आप लोग रिविजन करके नोट्स तैयार करके सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।